सरोकार। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। उदयपुर के हत्यारों को पकड़ने का लाइव वीडियो आया सामने। दो दो बाइक से भाग रहे थे, पुलिस ने 170 किलोमीटर पीछा कर दबोचा। सात से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी। 24 घंटे में 14,258 संक्रमित मिले। तमिलनाडु बंगाल में केस बढ़े। ओएनजीसी का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा, 4 की मौत। तकनीकी खराबी से अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग, नेवी ने 5 को बचाया। मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 19 की मौत, 15 लोग घायल। इमारत के मालिक पर FIR दर्ज। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे एकनाथ शिंदे, फ्लोर टेस्ट के लिए लौटे हैं मुंबई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने की BSF अधिकारियों के साथ बैठक, सीमा सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पर देशद्रोह का केस, बाकी विधायकों ने जताया जान का खतरा। बिहार में आंधी बिजली से 22 की मौत, यूपी के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। अवैध प्रवासी मणिपुर में गिरफ्तार, किराए के मकान में रह रहे थे सभी। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर को 4 दिन की कस्टडी, पुलिस बोली जांच में सहयोग नहीं कर रहे सुबह। राजस्थान के उदयपुर में सोशल टेलर मीडिया पोस्ट को लेकर टेलर कन्हैया लाल की हत्या, 2 गिरफ्तार, कई हिस्सों में कर्फ्यू। उदयपुर हत्याकांड पर आई शीर्ष मुस्लिम संस्था की प्रतिक्रिया, घटना को बताया कानून और इस्लाम के खिलाफ। महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर उद्धव शिंदे की जंग में बीजेपी ने फसाई टांग, फडणवीस ने की फ्लोर टेस्ट कराने की मांग। नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता, जिंदल को आए 3 मेल, परिवार को भी खतरा। महाराष्ट्र के पालघर केमिकल प्लांट में भीषण आग, 10 धमाके सुने गए, कई किलोमीटर तक दिखी आग। झांसी में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट, घर के बाहर झाड़ू लगाते वक्त कसी फवतिया, विरोध में मारपीट। आगरा में सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल, लाइफ लाइन MG रोड पर 1 किलोमीटर तक किए बाइक पर स्टंट। मेरठ में मां से बिछड़ी सिम्मी के जू में खेलने कूदने का वीडियो आया सामने, शावक के बाड़े में लगा है कूलर। अयोध्या में मिला व्यक्ति का शव, सरयू नदी में लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस शिनाख्त में जुटी। लखनऊ के शहीद पथ पर हादसा, कंटेनर में
से मिली दो चुनौतियां, डबल मर्डर और रिटायर्ड फौजी को गोली मारने का मामला। कानपुर हिंसा के टॉप तीन वॉन्टेड डीसीपी ईस्ट ने गिरफ्तारी की, घेराबंदी तेज की, जल्द पत्थरबाजों का नया पोस्टर जारी होगा। उदयपुर में नूपुर के समर्थकों का समर्थक की हत्या, यूपी में अलर्ट। कानपुर में अशोक गहलोत का पुतला फूंकने का ऐलान। अमरोहा में गटर में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत, 3 घंटे तक नाले में ही पड़ा रहा, खोजबीन हुई तो चप्पल से पता चला। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 11 की मौत, लखनऊ समेत 44 जिलों में अलर्ट। औरैया में नहर में उतराता मिला महिला का शव, 3 दिन पुराना है, सड़ जाने से नहीं हो सक पा रही शनाख्त। गाजियाबाद में मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, लूट चोरी पेशेवर है दोनों अपराधी, एक पर 25,000 रुपए का इनाम। गोरखपुर के 41 माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर, राजन तिवारी, सुधीर राघवेंद्र जैसे अपराधियों को सजा दिलाएगी पुलिस। आगरा में वॉइस मैसेज भेजकर आर्मी मैन ने भड़काई थी अग्निपथ हिंसा, बोला मैं फौजी होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। कन्नौज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 सिपाही घायल, 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में अधिवक्ता को मारी गोली, घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। अमेठी में बंदर की हत्या का वीडियो वायरल, शराब पीकर 2 युवकों ने बंदर पर बरसाए ईंट पत्थर, मारते दम नहीं छोड़ा। उन्नाव में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौत, 1 की हालत नाजुक। प्रयागराज में 5 दिनों तक शव घर में रखकर किया तंत्र मंत्र, लड़की को जिंदा करने के लिए अंधविश्वास का लिया सहारा। देवरिया में पिता ने बेटी का किया सौदा, विरोध करने पर पत्नी का बाल काटा और बेटी को पीटा। मथुरा में मंडी समिति में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। सुल्तानपुर में मां बेटी की हत्या का मामला आशनाई के पहलू पर आकर टिके, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, हिरासत में संदिग्ध। गोरखपुर में पुलिस एनकाउंटर में लुटेरे के पैर में लगी गोली, 25 जून की रात को लूट की घटना को दिया था अंजाम। उदयपुर हत्याकांड के बाद कानपुर में हाई अलर्ट, पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के साथ हिंसा प्रभावित इलाके में किया पैदल मार्च। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बैरिकेडिंग तोड़, खाई में गिरी बस, 26 सवारियां घायल, 3 की हालत गंभीर। देवबंद में एनआईए की छापेमारी, जनसेवा केंद्र संचालक को हिरासत में लिया, फर्जी आधार से जुड़ा है मामला।
छत से लटकाकर युवक को पीटने का वीडियो वायरल। दो घंटे तक बरसाए लाठी डंडे, मारने वाले पूछ रहे थे बोल क्या क्या चुराया। मरीज को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम। लखनऊ के बीआरडी में ब्रेन स्ट्रोक से तड़प रहा था, साथ में कोई था भी नहीं। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट की घटना में चल रहा था फरार। कानपुर में पैकेजिंग मटेरियल कंपनी पर छापा, 68 लाख का माल सीज, 30 लाख टैक्स के रुपए में जमा कराए। उत्तराखंड में मॉनसून में भी श्रद्धालुओं के लिए धाम में हेल्प सेवाएं चालू रहेंगी, प्रतिदिन 30 से 40 शटल होंगे संचालित। उत्तराखंड में मिले 56 नए संक्रमित, देहरादून में सबसे अधिक 38 मामले आए सामने। उत्तराखंड में अब जल्द घर बैठे दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर, वाहन चोरी और गुमशुदा सामान से होगी शुरुआत। प्रदेश में तबादला एक्ट के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के 15% पदों पर होंगे तबादले, सीएम के पास गई फाइल। उत्तराखंड सरकार में ओएसडी बने पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण की मिली कमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जनता ने तोड़ा मिथक, 100 दिन हमारे संकल्प और प्रयास के दिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खुलासा बताया, बीजेपी नेताओं को कब बांटे जाएंगे दायित्व। बरसात के बाद उत्तराखंड में 88 सड़कें बंद, सड़कों पर गुजर रही तीर्थ यात्रियों की रात। उत्तरकाशी, 5 जिलों के लिए मौसम विभाग की बारिश, भूस्खलन की चेतावनी, नदी नालों में उफान आने की आशंका। सीएम धामी के आवास में काला सांप घुसने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा सांप। देहरादून में तेज बारिश में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, बाइक पर सवार उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में पटरी से उतर गई सफाई व्यवस्था, चरमराई सफाई व्यवस्था से जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। उत्तराखंड में बुजुर्ग महिला ने बहू पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग। भक्त कावड़ी ड्रोन के साए में पार करेंगे बॉर्डर, कई जगह बनेंगे कंट्रोल पॉइंट। मॉनसून की पहली बारिश ने आवाजाही पर डाला असर, पूर्णगिरी मार्ग 2 घंटे बंद रहा, श्रद्धालुओं की राह रुकी। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल हिंसा पर नया खुलासा, ट्रंप जानते थे कि उनके समर्थकों के पास हथियार हैं। फिनलैंड स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ, तुर्की ने छोड़ी जिद, रूस की बढ़ेगी टेंशन।
उदयपुर की घटना पर भड़के डच सांसद गिल्ट विल्ट्स बोले, जिहादियों से बचाओ हिंदुत्व। रूस ने बाइडेन की पत्नी और बेटी की एंट्री पर लगाया बैन, अमेरिका इस समय यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार। मोहम्मद बिन जायद के गले मिलकर जताई कृतज्ञता। ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक झुकाव कम, भारतीयों की आबादी 48% बढ़ी, आधे से ज्यादा कम हुई ईसाइयों की आबादी। अमेरिका के फ्लोरिडा में 8 साल के बच्चे ने बच्ची को गोली मारी, पिता की गन ढूंढ कर लाया और गोली चला दी, 1 साल की मासूम की मौत। WHO की रिपोर्ट में खुलासा, मंकी पॉक्स से नाइजीरिया में पहली मौत, दुनिया में अब तक मिले 3,413 मामले। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म का सिलसिला बरकरार, कराची में नाबालिग हिंदू लड़के का अपहरण। अमेरिका ने श्रीलंका को दी $2 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, खाद्य सुरक्षा के लिए किए जाएंगे खर्च। ईशा अंबानी संभालेंगे रिलायंस रिटेल बिजनेस, एक दिन पहले मुकेश ने बेटे आकाश को सौंपा था जियो। एक जुलाई से पीपीएफ और सुकन्या जैसी स्कीम पर मिल सकता है ज्यादा ब्याज, कल ऐलान संभव। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सबसे निचले स्तर पर, भूटानी करेंसी नुगल ट्रून सबसे मजबूत। वीआईपी सुरक्षा और दिल्ली मेट्रो में तैनात सीआईएसएफ जवानों को अतिरिक्त बुलेट प्रूफ जैकेट, खरीदारी को मंजूरी। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल का बड़ा बयान, कहा पावर सेक्टर को मुहैया कराएंगे अपने हिस्से का कोयला। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारतीय एमएसएमई को किया सम्मानित, मल्टीमीडिया अभियान की शुरुआत की। crypto.com के रिवॉर्ड प्रोग्राम से डॉगकॉइन शिबा आईएनयू समेत 15 ऑल्ट कॉइन्स हटे, कंपनी 5% कंपनियों की कर सकती है छटनी। मेटा ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलेट, मेटावर्स में हो सकेगी पेमेंट, वॉलेट सर्विस से कई प्रकार के डिजिटल गुड्स खरीदे जा सकेंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच कूबर ने मिंत्रा के पूर्व एग्जीक्यूटिव को नियुक्त किया सीएफओ। वर्डिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद भी शीना आईएनयू में गिरावट जारी। कन्हैयालाल हत्याकांड में बोले इरफान पठान, किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का मतलब इंसानियत को चोट पहुंचाने जैसा है। न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप के बाद नंबर में कीवी के खिलाफ खेलेगी 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज। उमरान मलिक आखिरी ओवर में 17 रन डिफेंड कर बने हीरो, हर गेंद के साथ अटक गई थी सांसें।
पति चहल के साथ डबलिंग की सैर पर निकली धनश्री, साथ में दिखे हार्दिक और हुड्डा। जोरदार जब्बे से आयरलैंड ने जीता सोशल मीडिया का दिल, एक समय पर इंडिया को दे दिया था हार्ट अटैक। रोमांचक मुकाबले में जीती टीम इंडिया, दूसरे टी20 में आयरलैंड को 4 रन से हराया, सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप। विंबलडन में उलटफेर, पहले दौर में हारी 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्सन, नडाल जीते। भारत ने पहली बार पारी के पहले ओवर में लुटाए 18 रन, दीपक हुड्डा और सैमसन ने 5 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान इयोन मॉर्गन ने लिया संन्यास, खराब फॉर्म से थे परेशान। इंग्लैंड के कप्तान बने स्टोक्स ने दी टीम इंडिया को चेतावनी, कहा भारत के खिलाफ उनकी टीम के जज्बे में कोई कमी नहीं आएगी। कॉफी विद करण 7 शो पर बुलाने के लिए सेलेब्स के हाथ पैर जोड़ रहे करण जौहर, शो में आने के लिए कर रहे हैं मिन्नत। साउथ एक्टर ने की रक्षाबंधन के ट्रेलर की तारीफ, रामचरण ने ट्रेलर को बताया खूबसूरत और पवित्र। ऋतिक रोशन ने शेयर किया ट्रैवल वीडियो, लिखा मुझे एक ऐसी टीम मिली है जो खाना उतना ही पसंद करती है जितना मैं। इश्क विश्क फेम शिनाज ट्रेजर को हुई गंभीर बीमारी, पोस्ट शेयर कर बताया किसी को पहचान नहीं पाती हूं। टंकी में काम करने पर तापसी का रिएक्शन, एक्ट्रेस ने कहा शाहरुख खान के साथ काम करना गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस की संदिग्ध मौत, क्रिमिनल माइंड्स फेम मैरी मारा की लाश न्यूयॉर्क की नदी में तैरती मिली। आलिया ने प्रेगनेंसी में काम करने पर किया रिएक्ट, नाराजगी जताते हुए कहा मैं एक महिला हूं ना कि कोई पार्सल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर बनेगी बायोपिक, 99वीं बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज होगी अटल है फिल्म का टाइटल। बॉलीवुड में ड्रग्स पर सुनील शेट्टी ने कहा इंडस्ट्री ड्रगीज से भरी हुई नहीं है, हम भी गलती करते हैं बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। सिद्धू मूसेवाले की टीम ने दर्ज कराई FIR, सिद्धू के सॉन्ग लीक करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज। शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।